इन दिनों टीम इंडिया कैरिबियाई सरजमी पर T20 वर्ल्ड कप खेले जा रही इवेंट में भारत अगले चरण में क्वालिफाई कर चुकी है। टीम इंडिया ने ग्रुप स्टेज में अमेरिका, आयरलैंड और पाकिस्तान जैसी टीमों को बुरी तरह से हराया है। इस टूर्नामेंट में जब भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराया, उस वक्त से सोशल मीडिया पर यह खबर चलाई जाने लगी थी कि BCCI के मैनेजमेंट ने टीम इंडिया को मैच जिताने के लिए फिक्सिंग की थी। इसके अलावा ये भी खबर आ रही है कि कई खिलाड़ियों ने मैच हारने के लिए पैसे लिए हैं। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान की टीम को बुरी तरह से हराया और इस मैच के बाद सोशल मीडिया पर यह खबर चलाई जाने लगी कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने मैच फिक्सिंग की है। इस मैच के कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान के स्पिनर इमाद वसीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद सोशल मीडिया पर इन्हें फिक्सर घोषित किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर समर्थकों के द्वारा कई प्रकार के ऐसे फैक्ट पेश किए जा रहे हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ धांधली हुई है। इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्ट मौजूद हैं जिनमें ये तथ्य दिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर इमाद वसीम ने T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के खिलाफ मैच फिक्सिंग की। अगर ये फिक्सिंग में शामिल नहीं होते तो फिर पाकिस्तान की टीम इस मैच को जीतने में सफल हो जाती। अब असलियत क्या है ये तो खैर नहीं पता, बट सोशल मीडिया पर लगातार ये खबरें चल रही हैं कि इमाद वसीम एक फिक्सर हैं और उन्होंने इसलिए भारत के खिलाफ खराब बल्लेबाजी की, डॉट गेंदे खेली और मैच को फंसवा दिया और आखिर में जाकर आउट हो गए ताकि पाकिस्तान मैच ना जीत पाए। अब ये बातों में कितनी सच्चाई है वो तो खैर वक्त बताएगा अगर इसकी जांच हुई तो, बट फिलहाल तो माजरा यही है कि भारत T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 के राउंड में पहुंच चुका है, जहां पर 20 जून को भारत का मुकाबला पहले अफगानिस्तान, फिर 22 जून को भारत का मुकाबला बांग्लादेश और 24 जून को ऑस्ट्रेलिया से भारत अपना तीसरा मैच खेलेगा। अगर भारत तीनों मैच जीत जाता है तो भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। अगर भारत दो मैच भी जीत जाता है तो भी भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की राह आसान रहेगी। और अगर बात करें दूसरी तरफ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से ऑलरेडी बाहर हो चुकी है। जब अमेरिका और आयरलैंड का मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था, तब अमेरिका 5 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर गया था, जबकि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर हो गया था। अगर बात करें पाकिस्तान के आखिरी मैच की, तो पाकिस्तान ने आयरलैंड को रोमांचक मुकाबले में 3 विकेट से हराया और ये जीत जो है वो पाकिस्तान को उतनी रास नहीं आएगी, क्योंकि टारगेट था सिर्फ 106 रन का और पाकिस्तान ने उसको बनाने में 7 विकेट गंवा दिए थे। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान इस मैच को आसानी से चेस कर जाएगी, पर पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उन्होंने एक बार फिर से वही हाल किया पाकिस्तान टीम का जो अब तक वो करते आए हैं और लगातार एक के बाद एक पवेलियन लौट गए। हालांकि बाबर आजम जो कप्तान है पाकिस्तान टीम के, वो आखिर तक खड़े रहे और उन्होंने पाकिस्तान को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।